प्रारभत पंचत्रिंशत मिनटांतरम पंच मिनटांतकम विराम अवधि, प्रारंभ में 35 मिनट के बाद 5 मिनट का विराम होता है, मध्य विरामात परम दलियो क्षेत्रम परिवर्तन विद्यते, मध्य विराम के बाद दोनों दल के क्षेत्र में परिवर्तन होता है, पुनश्च पंच त्रिंशत मिनटम यावत क्रीड़ा प्रति, फिर 35 मिनट की खेल चलती है। क्रीड़ाया क्षेत्रस्य द्वयोरपि भाग्यो दो निर्णायको भवता, खेल के क्षेत्र में दोनों भाग का दो निर्णायक होता है। तयो एका समस्य विवरणम कंदुकस्य सीम प्रवेश गण्णाम चौधारयति, उन दोनों में एक दोनों का विवरण करता है और गेंद को सीमा में प्रवेश को गनता है और धारण करता है। निर्णायक एव सत्य परार्धे त्रुटो वा दंडयति, निर्णायक ही सत्य को त्यागने पर उसको दंडित करता है, तथा यथोचितम निर्णयम प्रस्तुति, उचित निर्णय को प्रस्तुत करता है। तस्य निर्णय पालनकम आवश्यकम, उसका निर्णय पालन करना आवश्यक होता है। अद्यत्वे हॉकी क्रीड़ा विश्वस्य जनानाम लोकप्रिय खेला वर्तते, आजकल हॉकी का खेल विश्व के लोगों का लोकप्रिय खेल है। नहीं केवलम नवयुवक, न केवल नवयुवक, अपितु बाला भी बच्चे भी सर्वत्र हॉकी क्रीडां कुर्वन्तः दृश्यते, सभी का हॉकी खेल खेलते हुए देखे जाते हैं। अबाल वृद्धम सहस्र संख्या, बच्चे हजारों संख्या के लोग खेल के क्षेत्र में हॉकी प्रतियोगितानां दृश्यन्ते, हॉकी प्रतियोगिता को देखते हैं। दूरदर्शन केंद्रात अपि प्रसारितेषु कार्यक्रमेषु, दूरदर्शन केंद्र से भी प्रसारित कार्यक्रमों में क्रीडकानां खेला चातुर्यम दृष्ट्वा, खिलाड़ियों की खेल चतुरता को देखकर, लक्षशः दर्शका प्रसिद्धन्ति, लाखों दर्शक प्रसन्न होते हैं, लाखों दर्शक प्रसन्न होते हैं। उसके आगे बढ़ते हुए नवमा पाठ में आगे बढ़ते हुए वर्गाष्टम के लिए, द्वापर युगे एकम हस्तिनापुरे नाम राज्यम अस्ति आसीत, द्वापर युग में हस्तिनापुर नाम का राज्य था। हस्तिनापुरस्य नृपस्य नाम शांतनु आसीत, हस्तिनापुर के राजा का नाम शांतनु था। तस्य एक पुत्र देवव्रत आसीत, उसका एक पुत्र देवव्रत था। देवव्रतस्य मातु नाम गंगा आसीत, देवव्रत के मां का नाम गंगा था। गंगाया पुत्रत्वात् गंगे इति तस्य नाम अभिधानम आसीत, गंगा के पुत्र होने के कारण उसका नाम गंगे हुआ। सह सूरवीर हुआ, वीर पराक्रमी, पराक्रम वाला, पितृभक्त, पिता का भक्त, उदार चरित्र आसीत, उदार चरित्र वाला था। युवावस्थायां तस्य पराक्रमस्य चर्चा सर्वत्र वत्, युवावस्था में उसके पराक्रम की चर्चा सभी जगह होने लगी। एकदा नृपः शांतनु नौका विहाराय यमुना तीरम अगच्छत, एक बार शांतनु नौका विहार के लिए यमुना के किनारे गए। तस्य एका रूपवती कन्या उपाविशत, वहां एक रूपवती कन्या बैठी थी। सा धीवरस्य कन्या आसीत, वह मछुआरे की कन्या थी। तस्या नाम सत्यवती आसीत, उसका नाम सत्यवती था। तस्या रूप लावण्यम दृष्ट्वा, उसके रूप लावण्य को देखकर राजा शांतनु मोहित हुआ, राजा शांतनु मोहित हो गए। नृपः तस्या जनकम उपगम्य, राजा उसके पिता के पास जाकर विवाह प्रस्ताव निवेदित, विवाह के प्रस्ताव का निवेदन किया। भो धीवर अहम त्वया रूपवती पुत्री आशा विवाहम कर्तुम इच्छुका, मैं तुम्हारे रूपवती पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। यदि तुम स्वम स्वपुत्रीम मह्यम दास्यसि, यदि तुम मुझको अपनी पुत्री दोगे, तरी अहम तुभ्यम राज्य उच्चम पदम दास्यामि, मैं तुमको उच्च पद दूंगा। धीवर अवदत, मछुआरा बोला, हे राजन, अहम एकेन पणेन सत्यवती तुभ्यम दातुम शक्नोमि, मैं एक क्षण में आपको सत्यवती दे सकता हूँ। राजा अवदत, शीघ्रमवत, शीघ्र बोलो, त्वम किम इच्छसि, तुम क्या चाहते हो। धीवर अवदत, मम पणेन इति यत् त्वम स्वराज्यम तस्या संतरि दास्य, मेरी प्रतिज्ञा है कि आप अपनी राज्य इसके संतान को देंगे। शांतनु सक्रोधम अवदत, शांतनु क्रोध से बोले, ऐसा संभवो नास्ति, यह संभव नहीं है। मम पुत्र देवव्रत राज्य सूत्राधिकारी आसीत, मेरा पुत्र देवव्रत राज्य का अधिकारी था। अन्येन पणेन कथम, दूसरे को यह कैसे कर सकता हूं। धीवर न्यवदित, धीवर बोला, यदि ऐसा नो संभव, यदि यह संभव नहीं है
तरी सत्यवत्या से विवाह न संभव, तो सत्यवती के साथ विवाह संभव नहीं है। शांतनु तस्य पणिन प्रतिज्ञा, तस्य पणिन खिन्न अवत, उसके प्रतिज्ञा से खिन्न हो गया। स निराशो भूत्वा स्वगृहम समागतः, वो निराश होकर अपने घर लौट गए।